हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपका बजट जो लगभग 2500 के आसपास हो और आप उसमें यार एक स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो, तो आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू करने वाले हैं फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग प्रो स्मार्ट वॉच का। इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, फीचर्स बताने वाला हूँ, और अगर आपका बजट जो है लगभग 2500 के आसपास है तो यार आपको इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, देख सकते हो यार सामने की तरफ फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है, नीचे लिखा गया निंजा कॉलिंग प्रो। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जैसे कि 1.69 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको, ब्लूटूथ कॉलिंग है, IP67 वाटर असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट है, और 120 स्पोर्ट मोड आपको मिलते हैं। राइट साइड की बात करें तो फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आपको दी गई है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, जैसे कि SPO2 आपको जो है सेंसर दिया गया, हार्ट रेट आपको सेंसर दिया गया, और भी काफ़ी सारी डिटेल आपको दी गई है। और यहाँ पर जो है वो iOS 9.0 और उससे ज़्यादा को सपोर्ट करता है, और Android 5.0 और उससे ज़्यादा को यहाँ पर सपोर्ट करता है। प्राइस की बात करें तो 8000 रुपये बॉक्स के पीछे मेंशन की गई, लेकिन ये आपको अराउंड 2000 से लेकर 2500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। नीचे देख सकते हो डाफिट ऐप का यहाँ पर डाउनलोड वाला QR कोड है, इसे स्कैन करोगे तो यार आराम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट से यार हम इसे जो है वो बाहर कर लेते हैं। तो अंदर आपको जो है वो फायरबोल्ट का यहाँ पर एक जो है वो डब्बा मिलता है, इसको यार फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। तो डब्बा जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो फायरबोल्ट की यहाँ पर जो है वो यूज़र मैनुअल मिलती है, इसको आप आराम से जो है वो पढ़ सकते हो। उसमें सारी डिटेल आपको स्मार्ट वॉच के बारे में दी गई है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ कार्ड दिए गए हैं, जैसे कि बोल्ट मेंबरशिप का आपको यहाँ पर कार्ड दिया गया है, गाना सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको जो है वो जो है वारंटी दी गई है, इसके साथ 1 ईयर की वारंटी जो है वो मिलती है। यहाँ पर बुक माई शो का जो है वो यहाँ पर एक कार्ड दिया गया, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपको मिलते हैं, इसको साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा बॉक्स में आपको जो है वो एक यहाँ पर आपकी चार्जिंग केबल दी गई है, देख सकते हो ये रही USB 2.0, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक केबल प्रोवाइड की गई है। तो यार इसे भी साइड में रख देते हैं, और हमारी जो स्मार्ट वॉच है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यार हमारे पास ये नीली कलर की है, तो फटाफट से यार सारा सामान हम साइड में कर देते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वॉच के ओवरव्यू की। तो यार सामने की तरफ आपको डिस्प्ले मिलती है, राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है, जो कि आप बैक बटन के जो है तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, SPO2 और हार्ट रेट सेंसर मिलता है। फायरबोल्ट की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको दी गई है, यहाँ पर आपको जो है वो एक माइक्रोफोन दिया गया है, साथ ही यहाँ पर स्पीकर के लिए आपको मिलती है, और ये यहाँ पर आपको जो है वो सिलिकन के स्ट्रैप्स मिलते हैं, जो कि आप नॉर्मल स्ट्रैप से भी चेंज कर सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यार फटाफट से जो है यहाँ पर स्पीकर को हम हटा लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी स्मार्ट वॉच को यहाँ पर पावर ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हो फायरबोल्ट की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिल गई है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस वॉच की बिल्ड और डिज़ाइन की। तो यार सामने की तरफ आपको जो है वो 2.5 इंच का जो है वो यहाँ पर कर्व ग्लास मिलता है, जो कि यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो यार आप प्रोटेक्शन यहाँ पर लगा लेना अलग से। ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर मेटल का दिया गया है, साथ ही यहाँ पर ये बटन भी जो है वो मेटल का है। बैक साइड में यहाँ पर आपको जो है वो प्लास्टिक जो दिया गया है। वैसे क्वालिटी की बात करें तो स्मार्ट वॉच की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी ठीक सी है, और यहाँ पर डिज़ाइन भी जो है वो नॉर्मल स्मार्ट वॉच जैसे ही यहाँ पर आपको मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 1.69 इंच की यहाँ पर IPS LCD वाली डिस्प्ले यहाँ पर आपको दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन यहाँ पर है 240x280 का। बात करते हैं यहाँ पर इसके बेजल की, तो यार बेजल काफ़ी ज़्यादा मुझे लगे, क्योंकि काफ़ी मोटे मोटे बेजल आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको AMOLED स्क्रीन नहीं मिलती है, ये एक IPS LCD स्क्रीन ही आपको दी गई है। तो ये रही यहाँ पर होम स्क्रीन। सबसे पहले नीचे से आप स्वाइप करोगे तो यार सिंपली आप जो है वो मैसेज में यहाँ पर चले जाओगे, यहाँ पर आपके जो है सारे मैसेज आ जाएंगे, मोबाइल के हों या फिर आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके भी मैसेज आपको मिल जाएंगे। सजे यहाँ पर बटन को आप जैसे ही दबाओगे आप बैक आ जाओगे। इसके अलावा आप स्वाइप अगर लेफ्ट स्वाइप करोगे तो भी आप जो है वो बैक आराम से आ जाओगे। राइट स्वाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो कॉलिंग का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कॉलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर की बात करें तो ऊपर से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आपको मिलता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर बैटरी का जो है वो आइकन मिलता है, यहाँ पर आपको जो है वो डेट और यहाँ पर जो है वो जो आपका डे है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। साथ ही यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन मिलता है, यहाँ पर ब्राइटनेस का है, तो जिसे आप ब्राइटनेस को जो है वो बड़ा घटा सकते हो, तो यहाँ पर हमने कम करके रखी हुई है। यहाँ पर आपको जो है वो एक बैटरी सेवर का मोड मिलता है, जिसे आप क्लिक करोगे तो आपके नोटिफिकेशन वाइब्रेशन वगैरह सब जो है वो बंद हो जाएगा, ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, तो यार इसे हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका जो है वो मेन्यू व्यू है, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने जो है वो लिस्ट में सेलेक्ट करके रखा है। इसके अलावा आप हॉनीकॉम डिज़ाइन में सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रिड में आपको मिलता है, इसके अलावा पैरेलल में आपको यहाँ पर दिया गया है, सर्फेस में आपको दिया गया है, और कुछ सेकेंड आपको जो है वो इसमें दिया गया है। उसके अलावा फुल मून में भी आपको दिया गया
हेल्म जो है वो आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, तो हम यार सिंपली लिस्ट पर ही क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो नीचे की तरफ कॉल का यहाँ पर मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो कॉल को जो आपकी ऐप है उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेटिंग का आइकन यहाँ पर दिया गया है। तो यार सिंपली जो है वो अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका एक्टिविटी वाला आइकन है, यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन है, ये यहाँ पर आपका जो है वो शटर का है, इससे थ्रू आप जो है वो कैमरे वगैरह से जो आपके फ़ोन है उसमें फ़ोटो निकाल सकते हो। बैक कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये आपको जो है यहाँ पर अलार्म का आइकन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो ब्लड प्रेशर का यहाँ पर सेंसर मिलता है जिससे आप जो है वो कर सकते हो। फिलहाल इसे जो है वो काट देता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यार काफ़ी सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि एक्टिविटी हो गया, फ़ोन कॉल हो गया। फ़ोन कॉल पे आप क्लिक करोगे, टर्न ऑन कर दोगे तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर जो आपके फ़ोन में जो ऐप है डव फिट उससे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा हार्ट रेट का आपको यहाँ पर दिया गया, स्लीप आपको यहाँ पर दिया गया, स्लीप मॉनिटरिंग आराम से ये जो है वॉच कर लेती है। ब्लड प्रेशर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा SPO2 आपका यहाँ पर जो है वो ये वॉच ले सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको सेंसर दिया गया है। तो यार फटाफट से बैक चलते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के लिए मिलता है, तो इसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर रनिंग गोल हो गया, वॉकिंग हो गया, आपका साइकिलिंग हो गया, आप स्किपिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, टेनिस हो गया, रग्बी हो गया, गोल्फ हो गया, योगा वर्कआउट, डांसिंग, बेसबॉल, इंडोर साइकिलिंग हो गया, फ्री ट्रेनिंग हो गया, रोइंग मशीन हो गया, और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यार नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो वेदर का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप जो है वो अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करोगे सब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज का आइकन आप जो है वो देख सकते हो, शटर का आइकन यहाँ पर आपको मिलता है जो कि मैंने आपको दिखा दिया, प्लेयर का आइकन यहाँ पर आप मिलता है जिससे आप जो है वो जब आप ऐप को कनेक्ट करोगे अपनी स्मार्ट वॉच से तो यहाँ से आप जो है वो सॉन्ग वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो आपको रिलैक्स का भी एक ऑप्शन मिलता है जिसमें स्ट्रेस्ड है, फॉलिंग स्लीप है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। काउंटडाउन भी आपको इसमें मिलती है, अलार्म भी मिलता है, स्टॉपवॉच भी मिलता है, फ्लैश लाइट हो गया, फाइंड फोन हो गया, गेम्स भी आपको यहाँ पर जो है वो कुछ मिलते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक ठाक से ये गेम मिलते हैं, तो ठीक है काफ़ी अच्छा है, आप खेल सकते हो। कैलकुलेटर भी आपको इस स्मार्टफोन में दिया गया जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर अदर की, तो यहाँ पर आपको जो है वो अदर में डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ब्राइटनेस को बढ़ा घटा सकते हो, ऑटो स्लीप कर सकते हो, वॉच फेसेस को यहाँ पर आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो चाहो आप वॉच फेसेस लगा सकते हो, और अप टू 100 वॉच फेस आपको मिलते हैं जब आप अपनी स्मार्ट वॉच को यहाँ पर जो है वो कनेक्ट करते हो ऐप से। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉल अलर्ट का है, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो वाइब्रेशन हो गया, इंटेंसिटी जो है वो आप कर सकते हो आराम से। उसके अलावा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का मोड मिलता है, लो पावर मोड है, फ़ोन यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपका जो स्मार्ट वॉच है वो ब्लूटूथ को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम का आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें रीस्टार्ट है, पावर ऑफ है, रीसेट है, आप रीसेट भी कर सकते हो वॉच को। और अबाउट में चलते हैं तो यहाँ पर वर्जन आप देख सकते हो आराम से फायरबोल्ट की यहाँ पर लिखा गया है। बैटरी की बात करें यहाँ पर बैटरी भी लिखी गई है, और यहाँ पर आप डाफिट का QR कोड को स्कैन करके आराम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं अब यहाँ पर जो है इसके इम्पोर्टेंट सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो SPO2 और हार्ट रेट का यहाँ पर जो है सेंसर तो मिलता ही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलता है, बैरोमीटर सेंसर मिलता है, पेडोमीटर सेंसर यहाँ पर आपको दिया गया, तो ये सेंसर भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मेरे यूज़ के हिसाब से जो है वो अराउंड 5 से 7 दिन के आसपास चल जाती है नॉर्मल अगर आप यूज़ करोगे, और आराम से जो है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच जो है वो फुल चार्ज हो जाती है, और आप नॉर्मल सा चार्जर यहाँ पर 5V 1 एम्पियर का जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो उसमें भी कोई भी यहाँ पर जो है वो कमी नहीं रखी गई, उसे भी आप आराम से देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर वाटर रेसिस्टेंट की, तो यार स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पर अगर आप इस पर पानी वगैरह डाल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया कि यार अप टू 1 मीटर में आप जो है वो पानी में अगर डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यार मत डालना यहाँ पर, हो सकता है ख़राब हो जाए। यहाँ पर वारंटी मैंने आपको पहले बता दिया यार, 1 ईयर की वारंटी के साथ जो है वो ये आती है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच है यार, 2500 की प्राइस को यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक सा वर्थित यहाँ पर कर देती है। तो यार इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग प्रो की यहाँ पर एक अनबॉक्सिंग और यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू आपको दिया है।
साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में भी आपको बताया है। बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस नॉर्मल डेज में रहता है 2500 के आसपास, जबकि सेल में आपको ये अराउंड 2000 रुपये के आसपास मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। यहाँ पर फायरबोल्ट की तरफ से ये काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच यहाँ पर आपको बजट में मिलती है, जिसे आप जो है वो आराम से बाय कर सकते हो। यार इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। यार वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। यार कोई भी आपको दिक्कत है आप जरूर से कमेंट कर सकते हो। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।